हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शंकर आईएएस बुक की मदद से आपके साथ एनवायरनमेंट का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, और अपने इसी डिस्कशन के तहत आज हम आपके समक्ष दो बड़े बड़े टॉपिक का डिस्कशन लाए हैं। सबसे पहले तो हम लोग आपके साथ बात करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में। हम लोग समझेंगे क्या क्या अलग फॉर्म्स होती हैं रीन्यूएबल एनर्जी की, और आज पूरे विश्व में रीन्यूएबल एनर्जी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। और फिर हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्टर्स लेंगे और उस सेक्टर में समझेंगे क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं और कैसे उनका तोड़ निकाला जाए। तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल चलता है। अगर इसको आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से यहाँ पे दो फायदे होंगे। सबसे पहले सारी अपडेट्स आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी, और दूसरा बहुत सारा हमारा स्टडी मटेरियल यहीं पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो अगर आप इस माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो आपको वो सभी स्टडी मटीरियल आराम से एक्सेस हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी के साथ। देखिए, आज हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग किससे जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स को जला के जनरेट की जा रही है। फॉसिल फ्यूल में कोल आ रहा है, उसके अलावा ऑयल आ रहा है, और इसी तरीके की और भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। समस्या ये है कि जब भी आप इन चीज़ों को जलाते हैं तो इसके जलाने से एटमॉस्फेयर में बहुत हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से एनवायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक फैक्टर है जिससे क्लाइमेट चेंज और तेज़ी से हो रहा है। तो ये पूरी चीज़ के पीछे जो जड़ है वो है फॉसिल फ्यूल्स का जलना। इसीलिए ज़रूरी है कि हम कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढें और उनकी तरफ स्विच करें, जो हम लोग कोशिश करें ज़्यादा क्लीन हो और एनवायरमेंट के लिए ज़्यादा हेल्दी हो। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को सोचते हुए हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आता है रीन्यूएबल एनर्जी का। रीन्यूएबल एनर्जी क्या मतलब है? देखिए, रीन्यू मतलब वापस से रिवाइव करना। तो एक ऐसी एनर्जी जो जनरली नेचुरल रिसोर्स से जनरेट होती है और बार बार नेचुरली रिप्लेनिश होती है, यानी बार बार उसको रिवाइव करा जा सकता है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। इसमें सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी है यानी सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल हीट है यानी अर्थ के नीचे मौजूद जो मैग्मा है, तो मैग्मा पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस हाई टेम्परेचर का फ़ायदा उठा के हम लोग कुछ एनर्जी जनरेट करते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग जियोथर्मल हीट। उसके अलावा विंड से एनर्जी जनरेट होती है, टाइड से होती है, वाटर से होती है, जिसका एक फॉर्म है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेसिकली जो सब चीज़ें आपने देखी सब कुछ नेचुरल है, कोई भी अलग से आप उसमें इंकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, और इसी में बायोमास के भी कुछ कुछ फॉर्म्स भी इंक्लूडेड हैं। ये जो एनर्जी है ये जनरली एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, और इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले क्लीन है, थोड़े लिमिटलेस है, उसके अलावा एमिशंस लेस कॉज करती है। जो ऊपर हमने देखा ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एमिट हो रही थी, यहाँ पे कंपैरेटिवली ग्रीन हाउस गैस कम एमिट होगी। ये लोकली अवेलेबल हो सकती है, बस हम लोगों को इसको हार्नेस करने के तरीके डेवलप करने होते हैं। और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज है वो ये पॉल्यूशन कम कॉज करती है। तो अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो ज़्यादातर जो रिन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों वो नॉन पोल्यूटिंग और क्लीन कंसिडर की जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप याद रखें, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का ही एक सोर्स जो कि है बायोमास, वो इंडोर पोल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि बायोमास कुछ हद तक पॉल्यूशन कॉज करता है, लेकिन बाकी जनरली रिन्यूएबल एनर्जी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। तो अगर आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में कि ऑल रीन्यूएबल एनर्जी आर नॉन पोल्यूटिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑल नहीं है, बायोमास जो है वो कुछ हद तक पोल्यूशन कॉज करता है। अब हम बात कर रहे थे कि भाई कुछ ये चीज़ें जला के एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, और एनर्जी से क्या बना रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सके। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, करंट के फ्लो का डायरेक्शन, या फिर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? दो सोर्सेज इसके हैं, एक है प्राइमरी सोर्स, एक है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जिसमें सब आती हैं आपकी रीन्यूएबल एनर्जी होगा, ये रीन्यूएबल एनर्जी को आप लोग यहाँ पे हार्नेस करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे एनर्जी निकालेंगे, और ये जो एनर्जी है यही इस इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्म है। और ऐसे ही सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं जहाँ पर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कि
कोल, ऑयल या फिर नेचुरल गैस। हमने अभी अभी बात की, समस्या इसके साथ ये है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा कॉज करेगा, तो अल्टीमेटली इसका ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज ज़्यादा कॉज करेगा, अल्टीमेटली पॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा ये योगदान देता है। तो हम लोगों को ये तो कट करना है और इसको बढ़ावा देना है। सरकार भी इन चीज़ों को भलीभांति जानती है और इसी वजह से सरकार ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को बढ़ाया है और ऐसा कहा है कि वर्ष 2022 तक हम लोग भारत में टोटल 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लगा देंगे, उसको जनरेट कर देंगे। और उसके अंदर भी इन्होंने विभाजन इस तरीके से किए हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो दिया गया है सोलर को। हम लोग 100 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे 2022 तक। तो बेसिकली है क्या, जो हमारी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है फॉसिल फ्यूल से, उसको हम ख़त्म करके उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी से। तो जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं आपके, उससे ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हमने 2022 तक टारगेट रखा है और हमने कहा है भाई 100 गीगावाट तो हम लोग ये जो एनर्जी है इसको सोलर से लाएंगे, उसके अलावा 60 गीगावाट हम लोग विंड से लाएंगे, 10 गीगावाट हम लोग बायो पावर से लाएंगे और 5 गीगावाट हम लोग लाएंगे स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो ये जो पूरा ऑर्डर है इसको हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये जो फिगर हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो इनको आप बाय हार्ट मेमोराइज कर लें। अब हम देखते हैं भारत के कुछ और एम्बिशियस प्लान्स के बारे में। इंडिया ने प्लान किया है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड में और 2030 वर्ष उसकी डेडलाइन रखी गई है। कोशिश ये की गई है कि आने वाले समय में जो सिटीज़ हैं उसमें पॉल्यूशन कम किया जाए और एनवायरनमेंट को क्लीन अप किया जाए। और जो हमारी इकोनॉमी लगातार डिपेंडेंस अपनी बढ़ाती जा रही है कोयले पे, तो उसकी डिपेंडेंस ख़त्म करके उसकी डिपेंडेंस मोड़ दी जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और वही सारे फायदे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी तो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो पॉल्यूशन से होने वाली अलग अलग तरीके की बीमारियाँ भी कम होंगी और उन बीमारियों के कम होने की वजह से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। ओवरऑल भारत की GDP अगर आइडियल सिनेरियो में देखें तो बढ़ने की यहाँ पे संभावना है, जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी बढ़ने की संभावना है। तो बेसिकली आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अकेले इस्तेमाल से भारत में कितने फ़ायदे हमको देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक भारत 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक जो टारगेट उसने रखा है उसको अचीव कर लेगा, और वो भी बिना लार्ज हाइड्रो के द्वारा जनरेट की गई रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड करे। तो अगर हम इसको जनरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी में इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे सामने जो फिगर निकल के आता है वो है 225 गीगावाट। तो स्टडीज़ कहती हैं 2022 तक हम लोग 225 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से टोटल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी वजह से हमने अपने टारगेट को और ऊपर कर दिया है, यहाँ पे 500 गीगावाट हमने कर दिया है 2030 तक। अब यहाँ पे एक भारत के बारे में तथ्य जान लेना ज़रूरी है कि हम लोग जो पूरा विश्व है उसमें तीसरे नंबर पे हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिटर्स की अगर रैंक देखें तो। हम लोग तीसरे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं और हमने अपने नेशनल लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन किया है यानी NDCs में इस बात के लिए प्लेज ली है कि कम से कम 40% जो एनर्जी भारत में जनरेट होगी वो सब क्लीन एनर्जी से होगी और डेडलाइन रखी गई है इसके लिए 2030 वर्ष। तो यानी भारत लगातार फोकस कर रहा है क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड करने की, उस पर ज़्यादा रिलाय करने की। एक बार अब हम समझते हैं क्लीन एनर्जी एक एक करके कि कैसे उसको यूटिलाइज करके हम अपनी नेशनल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे सोलर एनर्जी के साथ। देखिए सोलर एनर्जी में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत उन कुछ कंट्रियों में से एक कंट्री है जहाँ पे अच्छे समय के लिए सनशाइन मौजूद रहती है। तो हमारे पास पोटेंशियल तो है कि भाई जो ज़्यादा समय के लिए सनलाइट मौजूद रहती है उससे एनर्जी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस एनर्जी के एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे दो तरीके हमारे सामने होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा हम लोग सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली फोटोवोल्टाइक क्या है, इसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स का इस्तेमाल करते हैं हम। ये PV सेल्स यानी फोटोवोल्टाइक सेल्स आने वाली सनलाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं और एक बार एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसी सनलाइट से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
तो बेसिकली इसका जो फिनोमिना है वो डायरेक्ट है, ये रखे जाएंगे, ये जो सनलाइट आ रही है उसको सीधे तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो सेल है ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है, आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से कांच लगे हुए हैं। अब ये जो है ये कांच लगे हैं और एक डब्बा है ये। अब ये जो कांच है, जब इस कांच के ऊपर ऐसे सनलाइट पड़ेगी तो ये सबका सब जो कांच है वो इस तरीके से वहां पे प्लेस्ड है कि सारा कांच एक ही जगह पे लाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा। समझ लीजिए ये वाला कांच है तो ये लाइट को इधर डालेगा, ये कांच है ये भी लाइट को इधर डालेगा, ये कांच है ये भी इधर डालेगा, और अगर इस तरफ कांच होगा तो वो भी इधर डालेगा। तो सभी कांच मिलके पूरी लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ एक ही तरफ। तो ये सब के सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि सनलाइट को एक ही तरफ, तो वो वाला जो इलाका होगा वो ऑब्वियसली हीट अप होगा सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से, वहाँ पे तापमान बढ़ेगा। वहाँ पे एक लिक्विड रखा होगा जो लिक्विड इस तापमान के बढ़ने की वजह से हीट अप होगा। अब ये जो लिक्विड है ये साथ में स्टीम प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे और इस स्टीम की मदद से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि लाइट को आपको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पॉइंट पे तापमान बढ़ेगा अपने आप क्योंकि वहाँ पे सारी सनलाइट एक ही जगह पे आ रही है, तापमान बढ़ेगा। वहाँ पे आपने एक लिक्विड भर रखा है, लिक्विड तापमान बढ़ने की वजह से धीरे धीरे उड़ेगा, तो जो उसका इवेपोरेशन होगा, जो वेपर्स उससे आएंगे, जो स्टीम उससे बनेगी, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम लोग सोलर सेल्स की बात करें तो सोलर सेल बेसिकली यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल तीन तरीके से या तीन स्टेप्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो एरिया है यहाँ पे इस तरीके से सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ के यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे कुछ लगे होंगे फोटोवोल्टाइक सेल्स। तो फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या करेंगे, एक बार इन्होंने सनलाइट को ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने लगेंगे, और एक बार इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे यानी कि करंट आपका बहने लगा। अब इस करंट को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और इसी कैप्चर्ड करंट को आप लोग वायर्स में ट्रांसमिट कर देते हैं, और ये यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक वायर्स में पहुँच जाता है और एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिकली ये तीन स्टेप हैं, पहले में तो इसने एब्जॉर्ब किया और फोटोवोल्टाइक सेल ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना शुरू किया, इससे बना करंट को आपने कैप्चर किया दूसरे स्टेप में, तीसरी स्टेप में आपने उस कैप्चर्ड करंट को तारों में डाल दिया और बिजली इससे आपके तार में आ गई, उस तार से वो वहाँ पे पावर हाउस में पहुँच जाएगी जहाँ से वो आपके घर में भेज दी जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बारे में हमने आसान भाषा में आपको समझाया है। अब इसी फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली एक अल्यूमिनियम की माउंटिंग से अटैच होता है। एक फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है उसमें कम से कम दो सेमीकंडक्टर लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक हैंड होता है पॉजिटिव का और एक हैंड होता है नेगेटिव का। होता क्या है, जब देखिए यहाँ पे सनलाइट मौजूद होगी तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया जो प्लस चार्ज है यहाँ से फोटॉन्स नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होंगे, और ये जो नेगेटिव है ये फोटॉन्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। जब यहाँ पे नेगेटिव वाले इलाके में बहुत सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए तो नेगेटिव में आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फ्री करना शुरू कर देता है। एक बार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री होना शुरू हो गए, या फिर अगर मैं कहूँ एक बार इलेक्ट्रॉन बहना यहाँ से शुरू हो गए, तो मान लीजिए आप कि यहाँ पे करंट बनना शुरू हो गया है। तो बेसिकली यही सोलर सेल्स मिलके छोटे छोटे एक पूरे बड़े से सोलर पैनल को बनाते हैं। बेसिकली एक सोलर पैनल में टोटल छः अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करेगा, और वो कौन है, वो है फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ पे आपने उसकी फंक्शनिंग समझ ली है और इस टॉपिक में इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बेसिक फंक्शनिंग का आइडिया होना चाहिए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। अब ये जो सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, और इस सोलर सेल को हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक सोलर सेल्स। बेसिकली आप देखिए फोटो जो है वो तो सनलाइट से संबंधित है और वोल्टाइक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, यानी सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ से सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसीलिए पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट।
और जो सेल्स हैं उनको आप कहेंगे फोटोवोल्टाइक सेल्स। अब अगर हम लोग सोलर सेल्स के बारे में बात करें तो मेनली दो टाइप के सोलर सेल्स आज मौजूद हैं, एक है मोनोक्रिस्टलाइन और एक है पॉलीक्रिस्टलाइन। ये सबसे कॉमन सोलर सेल्स हैं जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली मोनोक्रिस्टलाइन का क्या मतलब है, मोनो का मतलब है सिंगल, यानी मोनोक्रिस्टलाइन में सिलिकन का एक ही क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है मोनो, मोनो मतलब सिंगल। तो सिलिकन का सिर्फ एक ही क्रिस्टल का इस्तेमाल होगा मोनोक्रिस्टलाइन में। पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी इसमें सीधी सी बात है एक से ज़्यादा सिलिकन के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग सिलिकन्स के क्रिस्टल को मेल्ट करते हैं और इनको पिघलाने के बाद एक साथ जोड़ते हैं और उससे बनता है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर सेल। अब अगर हम लोग एफिशिएंसी के टर्म में बात करें तो मोनो वाला ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू पॉली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें सिंगल अलाइंड क्रिस्टल ऑफ सिलिकन होता है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो सकता है। अब आप मान लीजिए दो तीन चीज़ों को पिघला के मैंने एक सिंगल चीज़ तो बना दी, पर कुछ तो फ़र्क रह जाएंगे, कुछ जगह पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ पे डेंसिटी कम होगी, इस तरीके से कुछ माइन्यूट फ़र्क रह जाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर पूरा मटेरियल सिर्फ एक ही चीज़ से बना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी आसानी से फ्लो हो पाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आसानी से फ्लो हो पाते हैं तो ये सीधी सी बात है करंट बहुत आसानी से फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का बहना मैंने आपको बताया इक्वल टू करंट का बहना, इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो गए तो करंट आपका इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू हो गया, तो क्योंकि करंट यहाँ पे आसानी से बह रहा है इसीलिए इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स। तो अब आप बताइए जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ये निश्चित बात है कि वो ज़्यादा महंगा बिकेगा, तो इसीलिए पॉलीक्रिस्टलाइन वाले जो हैं वो थोड़े सस्ते बिकते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन, क्योंकि मोनो वाला ज़्यादा एफिशिएंसी देगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया चीज़ खरीदनी है तो उसके ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा महंगा कौन सा होगा, मोनो वाला होगा। और जो पॉली का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली इजी है और उसमें थोड़े कम स्पेशलाइज्ड प्रोसेस हैं, तो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से उसकी कम एफिशिएंसी की वजह से वो सस्ता पड़ता है यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ा फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब एक बार देखते हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, या फिर इसको कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड इसीलिए क्योंकि आप सूर्य से आने वाली रोशनी को हर तरफ से एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और उस पॉइंट को गर्म करने पे हमारा पूरा फोकस है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। यहाँ पे जो ये हीट एनर्जी जनरेट होगी इससे जनरली स्टीम प्रोड्यूस होती है। स्टीम के प्रोडक्शन को हम लोग कन्वेंशनल जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जनरली पैराबोलिक ट्रफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली है क्या, ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ इसमें मिरर है, तो ये कर्व्ड मिरर होते हैं जो आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे। इनको इस तरीके से आप अरेंज करेंगे कि ये उसी पॉइंट पे सब मिलके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें, और ये वाला पॉइंट हमने अभी देखा कि हीट अप हो जाएगा। इसमें जो फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ पे स्टीम छोड़ेगा वो जनरली या तो सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है या फिर मोल्टन सॉल्ट या फिर प्रेशराइज स्टीम। और फाइनली जो यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हुई है वो है डायरेक्ट करंट, तो डीसी को आप यहाँ पे एसी में कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर्स की मदद से। तो ये प्रोसेस है पूरा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर का या फिर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का। अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आपको ये ढूंढना है कि भारत में सोलर की फ़िलहाल में कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। ये फिगर हमारे मेंस में हमारे लिए बहुत काम का है, तो इसीलिए इसको असाइनमेंट के तौर पर लें और प्लीज़ इसको देख के अपने नोट्स में इसको उतार लें, और किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है नेशनल सोलर मिशन, उस पर बात करते हैं। बेसिकली क्या फीचर हैं इसके, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि भारत को ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया जाए सोलर एनर्जी में, और हम लोग इसके तहत कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो इंस्टॉल्ड सोलर जनरेशन कैपेसिटी हो, यानी ये जो चीज़ है ये इंस्टॉल्ड हमारे पास एक सोलर सेल समझ लीजिए, और ये सूर्य की एनर्जी लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो इंस्टॉल्ड है ऐसी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपके पास इतनी मात्रा में मौजूद हो कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए 2022 तक। ये इस मिशन के तहत हमने टारगेट रखा है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो COP21 वर्ष 2015 जो पेरिस में कंडक्ट हुई थी, जिसको आप लोग पेरिस क्लाइमेट समिट के नाम से भी जानते हैं, उसमें लॉन्च की गई। अब ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव था ये कॉन्सेप्ट के तौर पे यहाँ पे आया, यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। इसके अगले साल जब COP22 हुई, कहाँ पे, मराकेश में हुई, तो वहाँ पे इस एग्रीमेंट को सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया। यहाँ पे सिग्नेटरीज हुए भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK और जापान। ये कुछ मेजर सिग्नेटरीज थे जो ISA को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अब बेसिकली ISA क्या था, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 122 से ज़्यादा देश, जिसमें से ज़्यादातर सनशाइन कंट्रीज हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली या फिर पार्शली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती हैं। तो ये तो हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, और जो 23.5 साउथ है ये हो गया हमारा कैप्रिकॉर्न। तो जो भी देश इसके बीच में यहाँ पे पड़ते हैं या फिर वो पार्शली भी इसके अंदर पड़ते हैं, वो सब शुरुआत में ISA के मेंबर के तौर पे क्वालिफाई किए। जो ISA का कॉन्सेप्ट था, ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत ने इसको इनिशिएट किया, वो इसमें लीडर की भूमिका निभा रहा था। और अभी क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर्स हैं वो अब इसके मेंबर के तौर पे क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इस अलायंस में होगा क्या, देखिए नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, एटलीस्ट जो जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें। और इसका जो फॉर्मल नाम था वो था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, यानी ISPA। और सेक्रेटेरिएट जो इसका स्थापित किया गया है, ध्यान में रखने वाली बात ये है कि वो गुड़गांव में स्थापित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के नाम से। तो भारत इसमें लीडर की भूमिका निभा रहा है। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव है कि हम कम से कम 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी को डिप्लॉय कर सके पूरे विश्व में, और कम से कम $1000 बिलियन का सोलर एनर्जी के प्रति इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें वर्ष 2030 तक। तो ISA यहाँ पे एक एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हमारी कोशिश है कि ग्लोबल डिमांड को बढ़ाया जाए। और ग्लोबल डिमांड को बढ़ाने के लिए हम लोग जो यहाँ पे बल्क प्राइजेज हैं उनको कम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, अगर एक बार डिमांड बढ़ी तो उससे सप्लाई मैच करने के लिए सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर हम लोग सोलर एनर्जी की सप्लाई बढ़ाते हैं तो यानी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे कम डिपेंड करेंगे, वो फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस होने लगेंगे। अगर ऐसा होने लगा तो क्लाइमेट चेंज को हम लोग टैकल कर पाएंगे। इसके तहत हम लोग जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट है वो यहाँ पे प्रमोट करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत प्रमोट की जाती है। ISA का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये फॉर्मली 6 दिसंबर 2017 को लागू किया गया। इसमें करीब 14 आर्टिकल्स हैं, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई टारगेट या फिर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो फिर आप पे ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाए। तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर हम यहाँ पे एक और टर्म के बारे में बात करते हैं, सूर्यपुत्र। और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कॉइन की है, और ये उन सभी नेशंस को डिपेक्ट करती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में भले ही कम्प्लीटली आ रहे हैं जैसे ये वाले, या फिर पार्शली आ रहे हैं। तो ये सभी नेशंस को हम लोग ने कहा सूर्यपुत्र। तो एक आप ये फैक्ट ज़रूर याद रखें कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिडक्ट की गई एक टर्म है, और इन्हीं सब नेशंस को इनवाइट किया गया इस पर्टिकुलर ISA को ज्वाइन करने के लिए। तो आप सूर्यपुत्र से दो चीज़ों को ध्यान रखें, सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले सभी देश कम्प्लीटली या पार्शली सूर्यपुत्र कहलाते हैं, और साथ में उनको ही इनवाइट करा गया इनिशियली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। इसी चीज़ के लिए एक और वर्ड है जो कि है सनशाइन कंट्रीज, और जो टर्म है सनशाइन कंट्रीज का या सूर्यपुत्र का, ये पेरिस क्लाइमेट डील में यानी वर्ष 2015 में ईजाद की गई हमारे PM प्लस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो सनशाइन कंट्रीज़ हैं ये गरीब हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड हैं, तो उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है। इसीलिए ISA एक बहुत प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन के तौर पर हमारे सामने आता है। अब हम लोग का यहाँ पर अगला टॉपिक है ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर।
बेसिकली क्या है, देखिए मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है एक सोलर कॉन्सेंट्रेटर, जो बेसिकली क्या करेंगे, सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे। सोलर कॉन्सेंट्रेटर से मतलब हम लोग समझ गए। अब LSC में क्या इस्तेमाल होता है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो एजेस हैं इन एजेस पे फोटोवोल्टाइक सेल्स मौजूद होते हैं। ये एजेस हैं, सिर्फ इन्हीं एजेस पे मौजूद होंगे, और बीच में एक पतली सी शीट लगी होगी। ये शीट जनरली किसी पॉलीमर से बनी होती है और इस पे जनरली एक ऑर्गेनिक डाई लगी होती है। तो आसान भाषा में आप समझे, ये जो बिंदु बिंदु हैं ये सारे ऑर्गेनिक डाई हैं। ऑर्गेनिक डाई क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो सनलाइट जो पड़ेगी वो डाई की मदद से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जो डाई है, एक बार उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली तो वो क्या करेगी, वो सनलाइट को इधर कॉन्सेंट्रेट कर देगी। साइड में आपके लगे हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स, जैसे इनके पास सनलाइट मिली, इन्होंने सनलाइट को फोटो से वोल्टाइक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो ये एक हमारा चीपर ऑल्टरनेटिव हो गया। आपने पूरे एरिया को यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल्स से नहीं भरा, आपने सिर्फ कोनों पे फोटोवोल्टाइक सेल्स लगाए, जिससे कि आपके काफ़ी कम फोटोवोल्टाइक सेल्स में काम हो गया। तो आपको जो पूरा इक्विपमेंट पड़ेगा वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो जो सस्ते इक्विपमेंट से आप पावर बनाएंगे, निश्चित तौर पर वो पावर भी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि हमको जो इनपुट है वो सस्ता पड़ा, तो जो हम इससे जनरेट कर रहे हैं वो भी कंपैरेटिवली सस्ता ही पड़ेगा। एक और इसके साथ एडवांटेज है कि भाई ये सारी सनलाइट को कलेक्ट करता है। एक तो जो इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे पड़ रही हो ये उसको भी कलेक्ट करेगा, और एक जो कहीं से डिफ्यूज़ हो के इसके ऊपर आ रही हो उसको भी कलेक्ट करेगा। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि सन को हमको ट्रैक ही करना पड़े, अगर कहीं से टकरा के भी सनलाइट आ रही होगी तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करेगा, फोटोवोल्टाइक सेल्स तक भेजेगा, वो फोटोवोल्टाइक सेल्स फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो इसीलिए जो ऐसे क्लाइमेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता है, उन पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के लिए ये एक आइडियल कैंडिडेट के तौर पे उभर के सामने आता है। तो अगर हम लोग बात करें एक आइडियल LSC क्या है, एक आइडियल LSC वो है जो बहुत बड़ी रेंज ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम को आराम से एब्जॉर्ब कर पाए, जो उसने एब्जॉर्ब किया है उससे 100% यानी सबसे एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, और लॉन्ग टर्म में वो स्टेबल हो। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमने अभी अभी देखा कि कहीं से भी आ रही लाइट को कलेक्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब होगा वो डाई की मदद से, जो ऑर्गेनिक डाई वहाँ पे लगी हुई हैं। फिर वो डाई यहाँ से डायरेक्ट करेंगी सोलर हीट को कोनों पे कंपैरेटिवली स्मॉल आउटपुट टारगेट है, जो है फोटोवोल्टाइक सेल्स। तो वहाँ पे ये डायरेक्ट हो गया फोटोवोल्टाइक सेल से, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि पूरे इनपुट की कॉस्ट कम आई है, इसीलिए जो ये बिजली आपने जनरेट की है इसकी भी कॉस्ट कम आएगी। इस बिजली से अगर आप अपने घर को रोशन करेंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक को, यह है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। एक एजेंसी है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी एजेंसी से, इसीलिए हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बहुत अलग अलग देशों की सरकार यहाँ पे आती है और इस प्लेटफॉर्म पे साथ में कोऑपरेट करती है, डिस्कस करती है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च का प्रमोशन करती है। तो इसीलिए इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है। करता क्या है, कोऑपरेट करेगा अलग अलग नेशंस यहाँ पे, जो एडवांस्ड नॉलेज है उनको एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग मेथड्स को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी पहली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस्ड है, और ये दोनों ही डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो डेवलप हो रहे हैं दोनों ही नेशंस की नीड्स को एड्रेस करता है। वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई और जो उसका स्टैट्यूट है उसको फोर्स में लाया गया वर्ष 2010 में। इसका हेडक्वार्टर्स है मसदार सिटी अबू धाबी में, और ध्यान रखने वाली बात है कि जो आयरना है ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर का स्टेटस होल्ड करता है। यहाँ पे अभी 160 टोटल स्टेट्स हैं प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर के तौर पे क्वालिफाई करते हैं। अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट करता है कि जो फ्यूचर है उसको सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाए, और एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है जहाँ पे कोऑपरेट करें इंटरनेशनली, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता है, एक ऐसी जगह बनता है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सारे नो हाउस, सारे डेटास, फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च यहाँ पे प्रमोट किए जाते हैं।
और सभी फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी को यह एड्रेस करता है, भले ही बायो एनर्जी हो, जियोथर्मल हो, हाइड्रो, ओशियन, सोलर, विंड हो, हर चीज़ को यहाँ पे अच्छे से एड्रेस किया जाता है। अब हम यहाँ पे अगले काइंड ऑफ एनर्जी देखते हैं जो है विंड एनर्जी। विंड यानी जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ बहती है, यानी जहाँ पे प्रेशर हाई होता है, जहाँ दबाव ज़्यादा होता है, वहाँ से वो लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो ये जो हवा का मूवमेंट है, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं विंड। अब विंड के इस तरीके से मूव करने की वजह से अगर हम लोग एनर्जी जनरेट कर पाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी, और ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही एक टाइप है। जब भी हम विंड से एनर्जी जनरेट करते हैं तो शुरुआत में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग यहाँ पे कुछ काम लेते हैं, और कुछ मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके हम आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है उस तरीके का जिससे आप ये एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। आप एनर्जी जनरेट करते हैं यहाँ पे टर्बाइंस की मदद से। इस तरीके की टर्बाइंस लगी होती हैं जो हवा चलने की वजह से ऐसे घूमती हैं। ये घूमती हैं तो घूमने की वजह से इनके मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हम लोग कई सारे काम करते हैं, जैसे इस मैकेनिकल एनर्जी की मदद से हम लोग अनाज पीस सकते हैं, और उसकी मदद से हम कोई मशीन्स भी चला सकते हैं। फिर उसके बाद इसी मैकेनिकल एनर्जी का कुछ भाग को हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हुआ इस चीज़ का, यानी विंड टर्बाइन का, जो ये पूरे प्रोसेस को होने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब ये पाँच देश हैं जिसमें जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन और इंडिया, ये पूरे विश्व में 80% ऑफ दी जो विंड एनर्जी जनरेट होती है, जहाँ पे विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, उन नामों में क्वालिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं ये विंड फार्म क्या होता है। कुछ नहीं, ये बेसिकली एक इस तरीके का फार्म है जहाँ पे टर्बाइंस हम लोगों ने लगा रखी हैं, और इन टर्बाइंस की मदद पे वहीं पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस ये जो जगह है, ये पूरा फार्म है, इसको आप कहते हैं विंड फार्म। ये दो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, एक है ऑनशोर और एक है ऑफशोर। ऑनशोर यानी कि लैंड पे इसको ऑपरेट करा जाता है, तो ये होता है ज़मीन पे, इसको आप कहते हैं ऑनशोर। क्योंकि आपको ज़मीन पे लगाना है तो निश्चित बात है इसमें कम पैसा लगेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप पानी में लगाएंगे, जो कि ऑफशोर में हम लोग करते हैं, तो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा मजदूर, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो यानी ऑफशोर वाली आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, और ऑनशोर वाले को लगाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं, आसान है सेटअप करना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना। और ये उन एरियाज़ में लगाई जाती है ज़मीन पे जहाँ पे सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वहाँ पे वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से इस टर्बाइन को रोटेट कर पाएगी, और जितनी तेज़ स्पीड से टर्बाइन रोटेट होगी उतनी ही अच्छी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब वर्किंग देते हैं विंड टर्बाइन की क्या है। देखिए विंड टर्बाइन होती क्या है, इस तरीके से जनरली तीन ब्लेड्स लगे होते हैं एक टर्बाइन में। ये करती क्या है, जब ऐसे आके यहाँ पे ये एयर बनाई है मैंने, जब आके एयर इस पर लगेगी तो ये इस तरीके से पंखे की तरह चलेगी। ये जब पंखे की तरह चलेगी तो उस वजह से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो यानी इसने क्या किया, इसने जो विंड की काइनेटिक एनर्जी थी, यानी जो उसके मोशन को सपोर्ट कर रही है, ऐसी एनर्जी, देखिए कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, कोई भी चीज़ चल रही है, तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो उसके चलने को सक्षम कर पा रही है। ये काइनेटिक एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ के मोशन के लिए। तो विंड क्योंकि मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी को ये टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इस मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग कुछ काम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे कि हम ग्रेन को ग्राइंड कर देते हैं, जैसे अनाज को पीस लेते हैं, साथ में हम लोग यहाँ पे पानी को कुएं से उठाना हो, कहीं से अपलिफ्ट करना हो, मोटर चलानी हो, उस सब को इस एनर्जी से कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग इसको जनरेटर में लगाते हैं, जिसकी मदद से ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी विंड टर्बाइन ऊंचाई पे लगी होगी वो जनरली ज़्यादा एनर्जी को कैप्चर करेगी, वो इसलिए क्योंकि ऊंचाई पे हवाओं का जो मोशन है, जो उसकी स्पीड है, वो काफ़ी तेज़ होता है, तो वहाँ की जो विंड टर्बाइन है वो ज़्यादा एनर्जी को कैप्चर कर पाएगी। और अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें तो जो 100 फीट ज़मीन से ऊपर, या फिर मीटर में बात करें तो 30 मीटर ज़मीन से ऊपर लगी होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे विंड को लेस टर्बुलेंस फेस करनी पड़ती है, तो विंड जो है वो काफ़ी तेज़ गति से वहाँ पे बहती है। अब हम लोग कुछ और वेरिएबल्स देखते हैं जिन पे ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता डिपेंड करती है। देखिए जो टर्बाइन है,
सबसे पहले तो जितनी तेजी से घूमेंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो तेज़ी से कैसे घूम पाएगी? जब विंड तेज़ी से चलेगी। तो विंड की जो स्पीड है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विंड जितनी तेज़ से चलेगी उतनी तेज़ ये टर्बाइन घूमेगी और उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। साथ में ब्लेड का रेडियस, देखिए ये जो है ये इसका रेडियस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है, समझ लीजिए एक ये है आपके सामने टर्बाइन और एक मैंने ये बनाई है, यह है ए और यह है बी। तो ये निश्चित बात है कि ए का रेडियस बी से काफ़ी ज़्यादा है, तो जो ए वाली है वो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे जनरेट करेगी। अगर मैं रेडियस को डबल कर दूँ तो वो चार गुना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने की क्षमता हासिल कर लेती है। और तीसरा है एयर की डेंसिटी, जितनी भारी जितनी डेंस एयर होगी उतना तेज़ ये धक्का मारेगी टर्बाइन को, तो उतनी तेज़ से टर्बाइन घूमेगी और उसी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम बात करें हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ की, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता चला जाता है जैसे आप हाइट पे जाएंगे, साथ साथ प्रेशर भी कम होता है और साथ साथ जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है वो थिन हो जाता है। तो जनरली अगर डेंसिटी कंपैरिजन में बात करें तो वहाँ की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी कम डेंसिटी की वजह से वहाँ पे जो एनर्जी जनरेट करने का पोटेंशियल है वो भी कम है। तो इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन जो है, यानी कि अगर आपने ऐसे पहाड़ के ऊपर कोई टर्बाइन लगा दी तो वो आपको अच्छे से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके नहीं दे पाएगी। इससे बढ़िया आप थोड़े नीचे पे टर्बाइन लगाएं जहाँ पे हवा की गति ज़्यादा हो, वहाँ पे एयर ज़्यादा डेंस है, प्लस अगर उसकी स्पीड भी ज़्यादा हुई तो उधर से आपको बहुत अच्छे से एनर्जी ऑब्टेन हो पाएगी। तो इसीलिए सी लेवल के नज़दीक अगर आप कोई टर्बाइन लगाएंगे तो वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगी। अब अगर विंड टर्बाइन की बात करें तो दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, ये पंखे जैसी होगी जैसे हमारे कमरे में पंखा लगा होता है, और एक है वर्टिकल जो ऐसी होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसकी ब्लेड्स जो है वो ग्राउंड के पैरेलली मूव करती हैं, वो इस तरीके से आप अपने ऊपर लगे हुए पंखे को अज्यूम करें, वो आपके ग्राउंड के पैरेलल चल रहा है, लेकिन जो वर्टिकल होगी वो इस तरीके से खड़ी हुई होगी, तो वो जो मूव करेगी वो ऐसे मूव करेगी, तो ये जो ग्राउंड है इसके परपेंडिकुलर होती है जनरली। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस वाली है ये चलती तो धीरे धीरे है लेकिन ज़्यादा टॉर्क यील्ड करती है, जिससे ज़्यादा ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी। अब अगर हम बात करें भारत में क्या पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो भारत की एक संस्था है उसने लॉन्च किया है विंड एनर्जी रिसोर्स मैप ऑफ इंडिया, जो 100 मीटर ग्राउंड वाटर ग्राउंड लेवल के ऊपर है, और ये एक ऑनलाइन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे हम लोग उन एरियाज़ को मैप करेंगे जहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अब यहाँ पे हम एक रिपोर्ट का सहारा लेते हुए बताएंगे कि भारत में कितना पोटेंशियल है। रिपोर्ट है फिच सॉल्यूशंस मैक्रो रिसर्च की, और ये रिपोर्ट कहती है भारत 2022 तक 54.7 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन सरकार ने तो टारगेट सेट किया है 60 गीगावाट का, तो यानी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कुछ 5.3 गीगावाट अपने टारगेट से पीछे रह जाएगा। हम लोग अज्यूम करते हैं भारत में अभी 60 गीगावाट का पोटेंशियल है और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में ये पोटेंशियल और ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी भी देश में बहुत सारी लो कैपेसिटी वाली विंड टर्बाइंस मौजूद हैं। अगर इन टर्बाइंस को आप अच्छी वाली विंड टर्बाइन से रिप्लेस कर देंगे तो निश्चित ही तौर पर उस पर्टिकुलर एरिया से हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर पाएंगे। और फिर अगर हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो कि चेन्नई में बेस्ड है उसकी बात पे गौर करें तो वो कहती है जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे उनमें विंड एनर्जी का पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो शुरुआत के जो तीन सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले स्टेट हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और वो तीनों ही तीनों हमारे वेस्टर्न साइड्स पे मौजूद हैं। अब हम लोग देखते हैं सरकार ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं विंड एनर्जी से संबंधित। शुरुआत में सरकार ने एक बनाई थी नेशनल विंड पावर पॉलिसी, लेकिन फिर धीरे से समझ में आया कि जो विंड है उसको उसके लोकेशन के अनुसार डिवाइड करना चाहिए, तो उस अनुसार हमने इसको दो पॉलिसीज़ में तोड़ दिया, एक है ऑनशोर और एक है ऑफशोर विंड पॉलिसी। तो ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए बेसिकली भारत ने बहुत वाइब्रेंट पॉलिसी बनाई है, 2015 अक्टूबर में ये जारी की गई, नाम था इसका नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि
कि ऑफशोर विंड एनर्जी का पोटेंशियल हम डेवलप करें, उसको हार्नेस करें भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिससे कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। इस पॉलिसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को ऑथोराइज किया गया नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे, और नोडल एजेंसी यहाँ पे बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को। और जो ये नेशनल एजेंसी है, ये बेसिकली ऑफशोर विंड एनर्जी से संबंधित पॉलिसीज बनाएगी, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, ऑफशोर जो विंड के एनर्जी ब्लॉक्स हैं उनको एलोकेट करने का काम करेगी, और बाकी मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करेगी जिससे कि सभी तरीके के फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। फिर हम लोग यहाँ पे एक अगली पॉलिसी के बारे में देखते हैं, ये है सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी। यहाँ पे हम लोग सोलर पे फोकस कर रहे हैं, साथ में विंड पे फोकस कर रहे हैं, तो ये एक हाइब्रिड पॉलिसी है। मई 2018 में इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग बड़े बड़े ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड सिस्टम को लगाएं। तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रिड से कनेक्टेड हमने ऐसे सोलर और विंड दोनों हाइब्रिड सिस्टम को लगा दिया, जिससे कि सोलर की एनर्जी को भी हम अच्छे से यूज़ कर सकें और जो विंड से आने वाली एनर्जी है उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकें, और ओवरऑल पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाइड्रो पावर। अब हम पानी के इस्तेमाल से कोशिश कर रहे हैं एनर्जी को जनरेट करने के, और इसी एनर्जी से आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी के एम्बिट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली कब हम लोग हाइड्रोलिक या फिर पानी की पावर को इस्तेमाल करते हैं, जब पानी एक हाइट से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। जनरली हम लोग नीचे पे यहाँ पे एक टर्बाइन लगा देते हैं, तो पानी के काइनेटिक एनर्जी से, पानी के प्रेशर से ये टर्बाइन घूमती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और इसी मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हुआ वही पे, काइनेटिक एनर्जी थी पानी की, पानी ऊपर से नीचे आ रहा था ज़ोर से, पानी ने धक्का मारा टर्बाइन को, टर्बाइन घूमी, टर्बाइन के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी बनी, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर में फीड कराया गया, फीड कराने के बाद आपके सामने इलेक्ट्रिक एनर्जी आई। तो इसमें भी प्रोसेस वही है जो हमने विंड में पढ़ा था बेसिकली, लेकिन हाइड्रो पावर जो है वो चीपेस्ट होती है, सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और एनवायरनमेंट को सबसे कम नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसके अलग कुछ अपने समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज से संबंधित और प्रॉब्लम्स को ये अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जनरली यहाँ पे आपको डैम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम लोग बांध बनाएंगे तो हमको मालूम है बांध से संबंधित वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। बांध बनाने से आसपास का एरिया सबमर्ज हो जाएगा, सबमर्ज होने से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका घर छिन जाएगा, जो वहाँ पे जनजातियाँ हैं उनका लाइवलीहुड का ऑप्शन छिन जाएगा, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म होगा, उस एरिया से मीथेन निकलेगी, मीथेन निकलने से ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये डैम के साथ संबंधित जो अलग अलग समस्याएं हैं, यही सब समस्याएं हाइड्रो पावर भी अट्रैक्ट करता है। अब हाइड्रो पावर स्टेशन हम बात करें तो टोटल तीन टाइप्स के होते हैं, एक है एम्पाउंडमेंट, एक है डाइवर्जन और एक है पम्प्ड स्टोरेज। इनमें से कुछ को डैम की ज़रूरत होती है, कहीं पर बांध बनाते हैं, कहीं पर बांध नहीं भी बनाते। सबसे पहले हम लोग इम्पाउंडमेंट में देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो है सबसे कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये नदी आ रही है, हम लोग एक बड़ा सा बांध यहाँ बना देते हैं, बांध बना के जो पानी है यहाँ पे उसको हमने स्टोर कर लिया, और अब जब हमारी मर्जी होगी तब हम ये बांध के गेट खोलेंगे। बांध के गेट खोलने से जो पानी आएगा ये बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगा, वाटर की स्पीड की वजह से जो नीचे टर्बाइन लगी है उसको घुमाएंगे हम, और उसको घुमाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये जो है सबसे कॉमन टाइप में इस्तेमाल की जाती है। फिर दूसरा है डाइवर्जन, इसको हम लोग रन ऑफ रिवर फैसिलिटी भी कहते हैं। यहाँ पे पानी को स्टोर नहीं किया जाता। इसमें होता क्या है, समझ लीजिए ये इस तरीके से नदी आ रही है, इसका थोड़ा सा ऐसे पानी हल्का सा डाइवर्ट कर लिया गया, और इसी डाइवर्जन की मदद से हमने टर्बाइन को रोटेट कर दिया। इसमें जनरली ये जो नदी है इसके फ्लो पे कोई भी असर नहीं पड़ता, जबकि पुराने वाले में फ्लो पे असर पड़ता है, क्योंकि बांध बनाने से हमने नदी के फ्लो को रोक लिया है। और ये वाले केस में हो सकता है बांध की ज़रूरत हो या फिर नहीं भी हो सकती, यानी यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन ऊपर वाले में बांध के बिना काम नहीं होगा। जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं जो भारत से पाकिस्तान में जा रही हैं, उसमें जनरली हम लोग डाइवर्जन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं।
फिर भी आए दिन पाकिस्तान आरोप लगाता है भारत पे कि ये इस नदी का पानी रोक रहे हैं, इसके बहाव पे ये लोग बांध के ज़रिए एक रुकावट पैदा कर रहे हैं। हालांकि जब ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस हुआ तो जीत भारत की हुई, और ये बात सामने आई कि भारत कोई भी तरीके से पानी स्टोर नहीं कर रहा, वो डाइवर्जन की मदद से बिना नदी के बहाव को परिवर्तित करे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट कर रहा है। अब है तीसरा पम्प स्टोरेज। इसमें वर्ड जो स्टोरेज है यहाँ से आपको पकड़ना है। ये क्या करता है, ये बैटरी की तरह काम करता है। जो बाकी अदर अदर सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर, विंड, न्यूक्लियर, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये उस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे स्टोर कर लेता है। देखिए जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है तो यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व किया जाता है। जो पानी है उसको इस तरीके से ऊपर पंप कर दिया जाता है और पानी को ऊपर रख लिया जाता है। जब भी एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऊपर रोके हुए पानी को वापस छोड़ दिया जाता है। ये पानी जब नीचे छोड़ा जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लिए होगा। यहाँ पे रखी है टरबाइन, टरबाइन पानी के काइनेटिक एनर्जी की वजह से घूमती है। टरबाइन के घूमने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यानी कि जब डिमांड ज़्यादा हुई तब इस पानी को गिरा दिया गया, वरना इस पानी को हमने इस तरीके से ऊपर स्टोर करके रख लिया। तो इस तरीके से ये स्टोरेज का काम करता है। जब कम डिमांड है पानी को आपने ऊपर पंप कर दिया, जब ज़्यादा डिमांड है पानी को आपने ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब हम लोग बात करते हैं सोलर हाइड्रो पावर के बारे में। सोलर हाइड्रो पावर क्या है, माफ़ कीजिएगा, स्मॉल हाइड्रो पावर। स्मॉल हाइड्रो पावर क्या है, देखिए इसका स्मॉल से मतलब है इसकी जो कैपेसिटी होती है ये 25 मेगावाट से कम होती है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 25 मेगावाट। अगर इससे कम कैपेसिटी वाले हैं तो वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटी वाले हैं तो वो हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स। ऐसे केसेस जहाँ पे कोई पानी स्टोर नहीं किया जाता, जहाँ पे रन ऑफ रिवर वाला केस होता है, वहाँ पे जनरली स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। और इनके बेनिफिट क्या हैं, देखिए ये स्मॉल है हालांकि, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये एनवायरनमेंट पे कोई बहुत बुरा असर नहीं डालते। और इंडिया और चाइना वो दो मेजर नेशंस हैं जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट के सेक्टर में काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट यहीं पे इंस्टॉल्ड हैं। अब इसके अंदर भी तीन क्लासेस हमारे सामने आती हैं, एक है माइक्रो हाइड्रो, एक है मिनी हाइड्रो, एक है स्मॉल हाइड्रो। माइक्रो जो है वो अप टू 100 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, मिनी हाइड्रो 101 से 2000 किलोवाट तक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और स्मॉल हाइड्रो जो है 2001 से 25,000 यानी कि 25 मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट के जनरेशन और उनके डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करें। भारत में अगर पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है हिमालयन स्टेट्स में, और उनके बाद उन स्टेट्स में जहाँ पे इरिगेशन कैनाल्स की मदद से पानी को पंप इन किया जाता है। जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं नेचुरली इकोनॉमिकली वायबल होते हैं, और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इसी में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है। मिनिस्ट्री का एम है, जो MNRE है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसका ये एम है कि कम से कम 50% जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस कर लिया जाए इस चीज़ का अगले 10 सालों के अंदर अंदर। फिर हम बात करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में। देखिए ओशियन और थर्मल दो यहाँ पे वर्ड्स हैं जो हमको पकड़ने हैं। ओशियन मतलब समुद्र हमारा, और थर्मल यानी कि टेम्परेचर का कहीं ना कहीं रोल होगा। तो समुद्र के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, उन एरियाज़ में हम लोग ओशियन थर्मल एनर्जी को पाएंगे, और अगर हमने उनको हार्नेस कर लिया तो उन एरियाज़ से हम लोग एनर्जी को जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड है थर्मल, यानी टेम्परेचर का कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये होगा कहाँ, ये होगा ओशियन में, इसीलिए उसका नाम है ओशियन थर्मल एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे जो ओशियन के सरफेस पे एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए ये मैंने बनाया ओशियन, तो इसके जो यहाँ पे सरफेस पे टेम्परेचर है और जो इसकी डेप्थ में यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो इनके डिफरेंस को ही हम लोगों को यहाँ पे हार्नेस करना है, और उसी डिफरेंस से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। कम से कम 1000 मीटर की डेप्थ हम लोग लेते हैं तब हमको कोई मेजर टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आपका इसी के कंपैरिजन में काफ़ी कम टेम्परेचर है, तो उसको हम लोग यहाँ पे हार्नेस करते हैं। अब यहीं पे हमको वेव और टाइडल दो एनर्जी देखने को मिलती हैं। पहली है वेव एनर्जी। देखिए वेव कैसे बनती है,
समझ लेते हैं, ये पूरा समुद्र है। तो जब ऊपर यहाँ पे विंड अपने मोशन में होती है, जब हवा चल रही होती है, तो ये विंड जब इस समुद्र के ऊपर से निकलेगी कि नीचे सरफेस पे भी पानी को धक्का मारेगी, तो ये जो पानी को यहाँ पे धक्का मारती है, तो पानी में भी इस तरीके की वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं। तो विंड का जब इंटरैक्शन होता है ओशियन के सरफेस पे, तो फिर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बेसिकली इन वेव्स की मदद से हम लोग टर्बाइन रोटेट करते हैं, उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। पहला वेव एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी 150 मेगावाट है, वो त्रिवेंद्रम के आस पास में विजिंजाम नाम के एरिया में सेटअप किया गया है। अब अगर हम लोग टाइडल एनर्जी की बात करें, तो वैसे ही यहाँ पे टाइड्स की मदद से हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और टाइड्स में जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी को हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएंगे, टर्बाइन को यहाँ पे रोटेट करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग मदद लेते हैं एक रिजर्वायर या फिर एक बेसिन की, जहाँ से जब भी टाइड्स पास होती हैं, तो वहाँ पे लगी होती है एक छोटी सी टर्बाइन। टाइड के मोशन की वजह से ये टर्बाइन ऐसे घूमती है, इसने बना दिया मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी बाद में बनाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो मेजर टाइडल वेव प्रोजेक्ट है, वो करीब 5,000 करोड़ का हमने प्रपोज किया है, और इसको गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ के पास हंथाल क्रीक में प्रपोज किया गया है। अब हम देखते हैं बायोमिथेनेशन या फिर मिथेनोजेनेसिस क्या प्रोसेस है। मिथेनोजेनेसिस, वापस ये दो शब्द से मिलके बना है, मिथेनो मतलब मीथेन गैस और जेनेसिस मतलब ओरिजिनेशन, यानी यहाँ पे आपकी बनेगी तो भाई मीथेन गैस। अब बनेगी कैसे, वो ये प्रोसेस है। अब देखिए इसको आप पकड़ें तो बायोमिथेनोजेनेसिस, यानी बायो मतलब कुछ जीवित फैक्टर्स की वजह से जब मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, आप उसको कहते हैं बायोमिथेनेशन। होगा क्या, देखिए मान लेते हैं ये पानी है, पानी के नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है या फिर बिल्कुल जीरो है। जब यहाँ पे बैक्टीरियाज ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, तो उससे यहाँ पे कुछ गैस प्रोड्यूस होती है, उस गैस को कहते हैं हम मीथेन। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात तीन है। सबसे पहले तो एनारोबिक होगा, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, उसके अलावा कोई ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज किया जाएगा, और तीसरा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो निकलने वाली गैस है वो है यहाँ पे मीथेन। अब जनरली जब भी ये चीज़ें होती हैं, तो तीन प्रोसेस एक के बाद एक होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है हाइड्रोलाइसिस, दूसरा होता है एसिडोजेनेसिस, तीसरा होता है मिथेनोजेनेसिस। पहले हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर एसिड का जनरेशन होता है, फिर मीथेन जनरेट होती है। तो इसी ऑर्डर में आप याद करें, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको याद होना चाहिए हैम नाम से ये प्रोसेस होता है, पहले हाइड्रो, फिर एसिड, फिर मीथेन। अब हम समझते हैं कम्बशन या इंसिनरेशन क्या होता है, और साथ में पाइरोलाइसिस या गैसिफिकेशन क्या होता है। देखिए जब भी ऑक्सीजन की एक्सेस में, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो ऑक्सीजन की एक्सेस में बहुत हाई टेम्परेचर, यानी करीब 800 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी चीज़ को जलाया जाता है, तो वहाँ पे हीट एनर्जी मिलती है हमको, इनर्ट गैसेस मिलेंगी, थोड़ी राख मिलेगी, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं इंसिनरेशन। तीन चीज़ें याद रखने वाली ये है कि ऑक्सीजन की बहुत अच्छी भरपूर मात्रा में प्रेजेंस होगी, साथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आखिरी बात यहाँ पे आपको ऐश मिलता है, और कुछ यहाँ पे हीट के तौर पे गैसेस निकलती हैं। समस्या ये है भाई, ये जो गैसेस निकलती हैं ये बहुत हार्मफुल होती हैं और ये एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं। अब इससे हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ये जो गैसेस निकली, आपने कोई चीज़ यहाँ पे है, जब इसको जलाया तो जलाने से यहाँ पे कुछ वेपर्स निकलेंगे, तो ये जो भाप निकली है, वेपर निकले, इसकी मदद से आपने यहाँ पे लगी हुई टर्बाइन को घुमा दिया। टर्बाइन को घुमाया तो वही मैकेनिकल एनर्जी बनी, मैकेनिकल से बन गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल गई। पर समस्या एक ही है कि ये चीज़ पॉल्यूशन कॉज करती है। अब अगर इसी तरीके के प्रोसेस को आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में करें, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, और आप केमिकल डिकम्पोजिशन करें किसी ऑर्गेनिक मैटर का, कैसे करेंगे, उसको जलाएंगे आप यहाँ पे बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो थर्मली यानी टेम्परेचर की मौजूदगी की वजह से ब्रेक डाउन होने लगेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर फाइनली यहाँ से गैस निकलेगी, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं सिन गैस। तो सिन गैस अगर बात करें तो कहाँ निकलती है, ये पाइरोलाइसिस के बाद निकलती है। पाइरोलाइसिस में याद रखने वाली चीज़ ये है, ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती, तो यहाँ पे पार्शियल कम्बशन ही हो पाता है। वो क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होती तो इसका पूरी तरह कम्बशन हो पाता, तो पार्शियल कम्बशन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो गैसेस हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम प्रोड्यूस होती हैं।
जो गैसेस प्रोड्यूस हैं उसका या तो हम प्रोड्यूसर गैस के तौर पे बोलते हैं या फिर इसको सिनगैस भी कहा जाता है। गैसेज जनरली कौन कौन सी निकलेंगी? सबसे ज़्यादा निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स 15% और कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन 60%। माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेंगी, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगी। तो ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके बाद, फिर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन्स, तो इस सीक्वेंस में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे भी वही होता है, जो स्टीम जनरेट हुई उससे आप टरबाइन को घुमा देते हैं, टरबाइन घूमेगी, मैकेनिकल एनर्जी बनेगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगी। फिर हम देखते हैं एक प्रोसेस, को जनरेशन। भाई को जनरेशन क्या होता है? देखिए, एक हमारे पास फ्यूल है, इस एक फ्यूल से जब आपने दो चीज़ें साथ में जनरेट कर दी तो आप उसको कहते हैं को जनरेशन। तो मान लीजिए एक तरफ तो हीट निकली और एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी निकली, तो एक ही फ्यूल से आपने दो चीज़ें निकाल दी यहाँ पे, तो इसको आप कहते हैं को जनरेशन, मतलब साथ में दो चीज़ का जनरेशन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो पावर प्लांट होते थे कन्वेंशनल, सबसे पहले वहाँ पे होता क्या था, वहाँ पे फ्यूल जनरली जो फॉसिल फ्यूल होता था उसको जलाया जाता था, तो इसको जलाने से जो प्रोड्यूस होके आती थी वो हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस होके आती थी। अभी जो स्टीम थी इससे हम लोग करते क्या थे, हम लोग यहाँ पे टरबाइन को घुमा दिया करते थे, टरबाइन घूम गई तो यहाँ पे बन के आ गई इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके सामने आ गई। और इसके साथ थोड़ी सी स्टीम यहाँ पे निकलती थी, उसको आप कहेंगे एग्जॉस्ट स्टीम, जो निकली स्टीम, इसको हम लोग कंडेंसेशन के थ्रू वापस पानी में कन्वर्ट कर देते थे, यानी आप इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे, ठंडा कर देंगे तो ये वेपर हैं, वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो गए, ये वाटर वापस से इसी पावर प्लांट के बॉयलर में चला गया। तो इसीलिए जो को जनरेशन है जनरली वो पावर की और हीट की दोनों ही नीड को आपकी मीट कर लेता है। यहाँ पे जो हीट आपकी एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हुई वो काफ़ी कम होती है, सिर्फ अराउंड 35 से 30% ही होती है, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये हो गया को जनरेशन, जहाँ पे एक ही चीज़ से, एक ही फ्यूल के इस्तेमाल से आपने दो चीज़ प्रोड्यूस कर दी और आपका यहाँ पे जो हीट का लॉस हुआ वो बहुत कम हुआ, तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो एक प्रोड्यूस होता है वो हमेशा हीट ही होता है। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, जो है वेस्ट टू एनर्जी कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसकी मदद से कैसे न कैसे करके हम लोग एनर्जी डिराइव करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है वेस्ट टू एनर्जी। अब देखिए इससे कितने फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो जो कचरा है, सबसे बड़ी समस्याएँ होती हैं उसके डिस्पोजल की, लोग क्या करते हैं उसको ऐसे ही फेंक दिया कहीं या फिर उसको पानी में बहा दिया, जिससे वो जाके आगे नदियों में मिल जाता है और रिवर को पल्यूट करता है। तो सबसे पहले तो डिस्पोजल की समस्या है, उसके अलावा वो पल्यूशन भी कॉज करता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये तो आपकी हल हो ही जाएंगी, क्योंकि जो कचरा है वो वेस्ट तो ख़त्म हो गया और साथ साथ उसी वेस्ट ने जाते जाते एक अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ दे दी, उसने एनर्जी जनरेट करके हमको दे दी। तो कितना अच्छा प्रोसेस है ये, जहाँ पे वेस्ट ख़राब करने के बजाय अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कोई भी आपकी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, हम लोग यहाँ पे क्लीन एनर्जी ऑब्टेन भी कर लेते हैं और साथ में वेस्ट से जुड़ी हुई समस्याएं भी यहाँ पे हल हो जाती हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात माने तो वो कहते हैं कि भारत देश में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अगर आप अर्बन वेस्ट से माने, यानी कि शहरी इलाकों से जनरेट हुए कचरे की बात देखें, तो उसमें 1700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पोटेंशियल है, और अगर हम उसको भी ब्रेकअप करें तो म्यूनिसिपल सॉलिड जो वेस्ट है उसमें 1500 जनरेट करने का पोटेंशियल है और सीवेज से हम 225 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो उससे हम करीब 1300 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए पोटेंशियल तो बहुत है, सिर्फ कमी कहाँ रह गई, हार्नेस करने में, टेक्नोलॉजीज हमको बढ़ानी है जिससे हम इस चीज़ को हार्नेस कर पाएँ। पर कुछ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी की चॉइस। देखिए जो जनरली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो अगर हमारे इनपुट्स में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, मुझे मशीन लगाने में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है सामान, तो निश्चित तौर पर जो मैं इससे एनर्जी जनरेट करूँगा वो महंगी होगी। तो जो एनर्जी जनरेट होगी वो भी महंगी होगी, तो वो अफोर्डेबल कम होगी। अफोर्डेबल कम होगी तो देश के हर एक कोने तक वो नहीं पहुंच पाएगी। उसके अलावा वेस्ट का हम लोग सही ढंग से सेग्रीगेशन भी नहीं करते, तो इसमें अगर कोई हैजार्डस वेस्ट आ गया, कोई ऐसा वेस्ट आ गया जो
पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज़ नहीं होता हो तो उसको या तो छाटे और काटे, तो छाटने काटने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर आपने उसको नहीं छाटा तो फिर वो जाके या तो एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगा या फिर हमारी मशीनरी को ख़राब करेगा। तो ये एक समस्या है, और साथ में पॉलिसी सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है जो इस चीज़ को अच्छे से प्रमोट कर पाए। तो इन एरियाज़ पे हमको काम करने की ज़रूरत है। एक बार आपने इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये वाला एरिया बहुत ज़बरदस्त है जहाँ पे वेस्ट से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली है, जियो थर्मल एनर्जी। देखिए इसमें भी दो वर्ड हैं, जियो और थर्मल। जियो यानी कि अर्थ से संबंधित, सरफेस से संबंधित, और थर्मल यानी कि फिर से टेम्परेचर का कोई डिफरेंस होगा। तो हमको मालूम है अर्थ की गहराइयों में यानी क्रस्ट के नीचे मैंटल और कोर वाले एरियाज़ में इस तरीके से मैग्मा के कन्वेक्टिव सेल चल रहे हैं। मतलब ये साइकिल चल रही है जिसमें जो मैग्मा है इस तरीके से ऊपर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है। तो मैग्मा जो है वो हमको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को दे देता है। तो जो टेम्परेचर होता है जनरली एनर्जी के फील्ड में हमारी मदद करता है। होता क्या है, कुछ कोल्ड वाटर यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसे सीप इन हो जाता है, अंदर चला जाता है, और वो मैग्मा की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है और भाप बन के बाहर निकलता है। तो ये जो स्टीम है अगर हम इसको कैप्चर कर लें और इससे हम लोग अपनी टर्बाइन को घुमा दें तो फिर वही हो जाएगा, इस एनर्जी से हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर ली। अब हम इसको कैप्चर कैसे करते हैं, जनरली ये कुछ एरियाज़ में आपको देखने को मिलती है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा है। जियोथर्मल ग्रेडियंट का क्या मतलब है, देखिए जैसे जैसे अर्थ की डेप्थ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 है टेम्परेचर, ऊपर आपका 0 होगा और नीचे आप जाएंगे वहाँ एकदम से 20 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बढ़ता है। तो जहाँ ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है उन एरियाज़ में काफ़ी पोटेंशियल होता है जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने का। जो एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो करीब 2.5 से 3 डिग्री होता है 100 मीटर पे, यानी हर 100 मीटर पे जब आप नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर 2.5 से 3 डिग्री कम होता चला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 10 है तो नीचे 13 हो जाएगा, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए जितना डेप्थ में जाएंगे उतना गर्म होता चला जाएगा। तो अगर ऊपर 10 है तो कुछ 100 मीटर बाद 13 हो जाएगा, 100 मीटर बाद 16 हो जाएगा, 100 मीटर बाद 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसी डिफरेंस का फ़ायदा हम उठाते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोल्ड वाटर को ऐसे भेजेंगे, जब कोल्ड वाटर वापस आएगा तो वो स्टीम के फॉर्म में आएगा। इसी स्टीम की मदद से हम लोग टरबाइन को हमारी रोटेट करेंगे। टरबाइन एक बार घूम गई उससे मैकेनिकल एनर्जी बन गई, उससे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बन जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कहाँ देखने को मिलता है, ये प्लेट की मार्जिन्स पे आपको देखने को मिलेगा। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी मार्जिन पे हमको देखने को मिलता है, इस एरियाज़ में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेंच समझें, क्योंकि जो ट्रेंच है, ट्रेंच के जो नीचे का हिस्सा होता है ये मेंटल तक एक्सटेंड करता है। तो मेंटल तक एक्सटेंड करेगा, जो पानी यहाँ पे जाएगा वो भाप बन के ऊपर आएगा। इस स्टीम को हार्नेस करना हमारा मकसद है। अब अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से रीजन्स इसके लिए सही हैं, एक तो हिमालय का जियोथर्मल रीजन, एक है नागा लुशाई के पास जियोथर्मल प्रोविंस, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास जियोथर्मल प्रोविंस। तो ये है सब ओरोजेनिक ओरिजिन के, यानी कि ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान बने हैं। फिर नॉन ओरोजेनिक भी कुछ हैं, जैसे कि कैम्बे, जैसे कि नर्मदा सोन के आसपास का ग्रेबन, वेस्ट कोस्ट, दामोदर वैली, महानदी वैली और गोदावरी वैली। उसके अलावा अगर साइट्स में बात करें तो कुछ पोटेंशियल साइट्स हैं, जैसे पूगा वैली जम्मू कश्मीर में, तत्तापानी छत्तीसगढ़ में, गोदावरी बेसिन मणिकरण जिसको हम नाम से पहचानते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है, एक है बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में, तूवा गुजरात में, और उन्नई महाराष्ट्र में। तो ये पोटेंशियल साइट्स हैं, इनको आपको ज़रूर ज़रूर याद करना है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर भारत में पोटेंशियल की बात करें तो देखिए, हालांकि भारत सबसे पहले जियोथर्मल प्रोजेक्ट के आइडिया पे सोचना शुरू किया 1970 के आसपास ही हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी ऑपरेशनल जियोथर्मल प्लांट नहीं है। हालांकि हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत है, क्योंकि हमारे पास 350 हॉट स्प्रिंग आइडेंटिफाई हो रखी है हमारे देश में। अब हमारा जो मकसद है वो है उसको हार्नेस करना। एक बार उसको अच्छे से हार्नेस कर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग काफ़ी क्लीन तरीके से जनरेट कर पाएंगे, एनवायरनमेंट भी खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेंगे। और वर्ष 2013 में भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट अनाउंस किया गया था जो छत्तीसगढ़ में सेटअप होने वाला था।
अब कुछ चैलेंजेस हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो जनरेशन कॉस्ट बहुत हाई है, तो वही बात, अगर इनपुट कॉस्ट हाई होगी तो इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे उसका भी ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर ड्रिलिंग का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जनरली जो भी जियोथर्मल के रॉक्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, तो उनको ड्रिल करने में काफ़ी ज़्यादा हमको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, टेक्निकल नो हाउस की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से इसमें जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है। उसके अलावा कुछ ट्रांसमिशन बैरियर्स भी है, जैसे कि जियोथर्मल पावर प्लांट्स को उनके एरिया के आसपास ही लोकेटेड होना ज़रूरी है। अब क्योंकि ज़्यादातर जियोथर्मल रिसोर्सेज जो सबसे बेस्ट हैं भारत में वो रूरल एरियाज़ में लोकेटेड हैं, तो इसीलिए डेवलपर्स के पास जो एबिलिटी होती है हर एक कोने तक जाने की वो कुछ कम होती है, और इसी के तहत उन एरियाज़ में इस तरीके के प्लांट सेटअप नहीं हो पाते। अगर नई पावर लाइंस को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको डालेंगे, तो वो फिर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इनकर करेगा, और जो अल्टीमेट कॉस्ट बियरर्स हैं वो होंगे कंज्यूमर, तो हमको जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी वो काफ़ी कॉस्टली होगी। फिर एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है, कई एरियाज़ में जहाँ पे जियोथर्मल पोटेंशियल है वो एरियाज़ ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे, कुछ ऐसी हार्श टेरेस्ट्रियल जगह पे जहाँ तक पहुँचना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, जिस वजह से एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर कुछ एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हैं, जैसे कि जब भी हम जियोथर्मल रॉक से या फिर किसी जगह से इस पर्टिकुलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ रेडियो एक्टिव गैसेज भी वहाँ से एस्केप हो जाएँ, और अगर वो रेडियो एक्टिव गैसेज वहाँ से निकल गई तो फिर वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएगी, एनवायरनमेंट को पल्यूट करेंगी, और जो भी उनको इनहेल करेगा उनके लिए वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ये है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेज हैं जो जनरली केमिकल एनर्जीज को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट में। तो यहाँ पे हमारे पास होती है केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में प्लस हीट में, तो इसी प्रोसेस को कैरी आउट करने वाला जो इक्विपमेंट है उसको कहते हैं फ्यूल सेल। इसमें जो भी फ्यूल इस्तेमाल होता है उस फ्यूल की केमिकल एनर्जी होती है कुछ, उसी केमिकल एनर्जी को हम लोग कुछ प्रोसेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जनरली जो सबसे सूटेबल फ्यूल होता है वो तो हाइड्रोजन का फ्यूल या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड का मिक्सचर जहाँ पे हाइड्रोजन की मौजूदगी हो, तो यानी हाइड्रोजन की इम्पोर्टेंस यहाँ पे काफ़ी अधिक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं और उन्हीं के चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हीट और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो आप ये देखिए जो बाय प्रोडक्ट भी जनरेट हो रहे हैं वो है एक तो वाटर और दूसरा हीट। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी कॉज नहीं हो रहा और ये जो सेल है ये एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस फ्यूल सेल को हम ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ पावर जनरेशन के लिए भी इन्हीं फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हो सकता है। फ्यूल सेल्स की मदद से जो ऑटोमोबाइल में सल्फर की गैसेस निकलती हैं, जो पोल्यूशन निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, अगर फ्यूल सेल का इस्तेमाल करेंगे हम वहाँ पर तो उस तरीके की गैसेस, उतना जीएचजी, उस मात्रा में सल्फर नहीं निकलेगा। अगर इन चीज़ों का एमिशन नहीं होगा तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पोल्यूशन ये चीज़ कम कॉज करेंगी। तो इसीलिए ज़रूरत है कि फ्यूल सेल पावर्ड बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने के प्रति हमको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा पावर जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम फ्यूल सेल का इस्तेमाल करें तो इससे हीट और पावर दोनों ही कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को सप्लाई की जा सकती हैं, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, मिलिट्री इंस्टॉलेशन में इनका इस्तेमाल हो सकता है। फ़ायदा ये है कि एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी, करीब 55% आपको एफिशिएंसी यहाँ पे मिल सकती है, और वहीं पे अगर कन्वेंशनल पावर प्लांट से आप इस चीज़ को कंपेयर करें जो कि 35% ही आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, तो फ्यूल सेल एनी डे आपके लिए बेटर अल्टरनेटिव साबित होंगे। साथ साथ एमिशंस भी ये कंपैरेटिवली लोअर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही एमिशन के तौर पर बाहर आता है, तो काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेज यहाँ पे एमिट नहीं होती, जिसके लिए ही फ्यूल सेल को आप वापस से एक बेहतर अल्टरनेटिव के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है यहाँ पे एक फिर से एसोसिएशन के बारे में, जो कि REN21। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, ये एक नेटवर्क है, मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क है। इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, देखिए गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, एक इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़,
भी यहाँ पे एक स्टेक होल्डर का रोल प्ले करती हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्ले करेंगी एक रोल, और साइंस और एकेडमिया भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये एक मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क है जहाँ पे सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं किस तरीके से पूरे विश्व में रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, उसके लिए बेहतर पॉलिसी लेके आई जा सके। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, ये रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यहाँ पे एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क है और साथ में एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन भी। तो अपने इस वीडियो में हम यहीं तक के टॉपिक्स का डिस्कशन रखेंगे, आने वाले टॉपिक्स को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इन लेक्चर सीरीज से आपको हेल्प हो रही होगी, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स आपके और ज़्यादा मजबूत हो रहे होंगे। आप लगातार पूरी सीरीज़ में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।